दोस्तों अब सुबह के दर्शन करने के बाद में हम लोग पहुंच गए हैं सारनाथ। सारनाथ में हम लोग दर्शन करेंगे। सारनाथ में ये है जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश और पहली धर्म की शिक्षा यहीं दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। तो हमारे साथ में आज गाइड हैं, क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भैया हैं। दूर से आइए, पानी भरा, इसको कूद के आओ। तो हमारे साथ में मनोज तिवारी, तो ये हमारे आज के गाइड रहेंगे। यहाँ सारनाथ के बारे में आपको पूरा बताएगा, एक्सप्लेन करेगा क्या चीज़ है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से हम लोग यात्रा। और सारनाथ में म्यूजियम है सर, म्यूजियम जो कि 5 रुपीज़ से टिकट लगता है, वो आप लोग अपने से देखेंगे, जो नेशनल एम्बलम रखा गया है। बस साइड में सर 50 मीटर है, साइड में स्तूपा है सर, 20 रुपीज़ से टिकट लगता है। पहले उनके बारे में आपको बता दे रहे हैं, वो अपने जाएंगे अंदर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ आपको बताएंगे, आपके यहाँ बोधिगिरी है, गौतम बुद्ध जी की 4 स्टैचू है आपका। उधर में देख रहे हैं भगवान बुद्ध जी का मेन टेम्पल जो 80 फीट 9 इंच बुद्धा स्टैचू है। अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, लाफिंग बुद्धा, भूमि स्पष्ट मुद्रा, आगे में दलाई लामा का जो आर्ट गैलरी है, ग्रामीण बुनकर सोसाइटी, ये सब इतना हम दिखाएंगे। फिर सर म्यूजियम स्तूप आप लोग अपने से देखेगा, जो कि स्तूप के बारे में पहले बता रहे हैं। गौतम बुद्ध जी ने यहाँ प्रथम 5 शिष्यों का पहला उपदेश दिया था सारनाथ में ही, जो कि 2300 साल पहले सर, जब उस समय 2300 साल पहले प्रथम 5 शिष्यों का जो उपदेश दिया था सारनाथ में, कुछ भी नहीं था, पूरी जंगल एरिया था, जो कि ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। जो कि 5 शिष्य का नाम बता रहे हैं, फर्स्ट जो कोंडरी है, सेकंड वप्पा है, थर्ड भादिया है, चौथा महानामा है, पांचवा अस्सागी है। उपदेश देने के बाद चले गए, तो कलिंगा के युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में ये राजा अशोक सम्राट के द्वारा वो धमेक स्तूप का निर्माण किया गया। जैसे आपका सांची का स्तूप MP में, धौलगिरी उड़ीसा में है, उसी तरह यहाँ सारनाथ में धमेक स्तूप बना दिया गया राजा अशोक सम्राट के द्वारा कलिंगा युद्ध के बाद। ठीक है, स्तूप की जो हाइट है 103 फीट है, चौड़ाई 93 फीट है, जो कि गौतम बुद्ध के लोग तिब्बत, श्रीलंका, चाइना, बर्मा के लोग यहाँ पे आते हैं, तो लोग पूजा पाठ करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन। बुद्ध पूर्णिमा के दिन है इसलिए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान, महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुआ था सर, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा फेमस मनाया जाता है। जो वैशाख का पूर्णिमा होता है, मई के महीने में आता है। स्तूप बनाने का कारण क्या है, ये भी बता रहे हैं, गौतम बुद्ध जी में 2 धर्म, एक हीनयान, महायान। हीनयान के जो लोग होते बुद्ध जी का स्तूपा का परिक्रमा करते 108 बेरी, महायान के लोग होते बुद्ध जी की स्टैचू को ध्यान में रहते, उन लोग पूजा पाठ करते हैं, जो मेडिटेशन बोला जाता है। इसीलिए गौतम बुद्ध जी में 2 धर्म माना गया है। और गौतम बुद्ध जी का 4 प्लेसेस है, फर्स्ट जो प्लेसेस लुम्बिनी नेपाल बचपन, जो कि 563 ईसा पूर्व जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस बोध गया, जब 29 वर्ष के हुए गौतम बुद्ध जी, तो 6 वर्ष कठिन तपस्या के तुमको ज्ञान मिला। बोधि ब्रिज, जो पीपल का ब्रिज रियल एक्चुअली आपका बोध गया है। सेकंड श्रीलंका, जो अशोक की बेटी बेटा महिंदा संगमित्रा ने ही साका लेकर गए थे। तीसरा ये सारनाथ में 1964 जो कि 1964 में उसी का कलम लगाया गया श्रीलंका से लाकर सर। ठीक है, चौथा जो प्लेसेस है गोरखपुर, कुशीनगर, महापरिनिर्वाण, 80 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध जी का देहांत हुआ था गोरखपुर कुशीनगर, जो कि 483 ईसा पूर्व स्लीपिंग बुद्धा, जो मेन टेम्पल वहाँ पे पेंटिंग बनाया गया सर। ठीक है, ये गौतम बुद्ध जी की 4 स्टैचू यहाँ पे बनाए गए, 4 सिंगल स्टोन के है और गोल्डन पॉलिश किया गया, अलग अलग मुद्राओं में ही बैठे है। लेफ्ट से राइट से देख रहे दोनों सेम स्टैचू है। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है कि पहला धर्म का यहाँ उपदेश दिया गौतम बुद्ध जी ने, तो सार मीन्स उपदेश हुआ, नाथ मीन्स भगवान हुआ। भगवान बुद्ध जी ने सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया, इसीलिए सारनाथ नाम पड़ा, फेमस पड़ा। और ये बीच वाला जो अभय, अभय मीन्स होता है भय, न डर होता है, आशीर्वाद देते हुए गौतम बुद्ध जी बैठे हैं, पीछे जो बैठे ध्यान मुद्रा, इसी तरह ध्यान लगाकर गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध गया में 6 वर्ष कठिन तपस्या करे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो जो देख रहे मेन टेम्पल है, जो थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, ऊपर पगोड़ा डिजाइन है, जो 1964 में बनाया गया सर। अंदर जो बुद्ध जी की स्टैचू है 9 फीट 6 इंच सिंगल स्टोन और गोल्डन पॉलिश आशीर्वाद मुद्रा, गौतम बुद्ध जी बैठे हैं। लॉफिंग बुद्धा है, लॉफिंग बुद्धा का मतलब ये होता है इनसे बुद्ध से कोई रिलेशन नहीं है, वो चाइना का प्रतीक है, लेकिन उनका जन्म जापान में हुआ है। लॉफिंग बुद्धा का जो कि घर में रखने पे शांति मिलता है, किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो घर में रखा जाता है, जो कि शुभ माना जाता है, जो हंसते खिलते रहते, जो गुल्लक के नाम से जाना जाता है, जो कि लकी माना जाता है। ठीक है, इधर में क्या, ये ब्लैक स्टैचू सिंगल स्टोन के ब्लैक पॉलिश किया गया है। यह भूमि स्पष्ट मुद्रा में ही गौतम बुद्ध जी बैठे हैं, जब भूमि को टच किए तब उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला, बोध गया है। जब 6 वर्ष कठिन तपस्या करे थे ध्यान मुद्रा में ही बैठे थे, जब धरती माँ को चरण स्पर्श किए तब उनको ज्ञान मिला। पीछे जो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष जो बोला जाता है, इसलिए पीपल का वृक्ष पीछे लगाया गया कि जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं,
जो कि ठंडा रहता है, इसीलिए पीपल का ब्रिज फेमस माना जाता है। और पीपल के ब्रिज के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति मिला, बौद्ध गया, तब यहाँ सारनाथ में आए, पहला धर्म का अपना उपदेश दिए, तो सार मीन्स उपदेश हुआ, नाथ मीन्स भगवान हुआ। ठीक है, तभी हम लोग चलेंगे सर बड़ा वाला स्टैचू के पास, जो 80 फीट 9 इंच है, बुद्धा स्टैचू है। आजिए भैया। दोस्तों, भूमि स्पर्श वाले बुद्धा को अब देखने के बाद में हम लोग जा रहे हैं, ये सामने जो है बुद्धा जी की स्टैंड स्टैचू, इसके बारे में अभी बताएंगे भैया। और इसके साथ में ये देखिए कमल के फूल लगे हुए हैं, और इनमें बुद्ध भगवान बैठे हैं, पीछे शेषनाग, और ये ब्लू कलर क्या है, ये कौन सा है, लोटस, ये लोटस है, तेजस लोटस, बहुत ही अच्छी फुलवारी है यहाँ पे। हाँ, ये बले बले हैं बुद्धा जी, ये हैं बड़े स्टैंड स्टाइल में बुद्ध जी। अब मोबाइल नहीं जाएगा आपका, उसके अंदर मोबाइल बैग ये सब लाकर में जमा हो जाता है, वो गवर्नमेंट का लॉकर है। ठीक है, हाँ, इधर में जो देख रहा है जो नेशनल एम्बलम है, जो गवर्नमेंट का सिंबल है, जो राष्ट्रीय चिन्ह बोला जाता है, अशोक स्तंभ है सर, जो कि फोर लाइन फॉलो करता है। अगर नोट पे देखेंगे सर तो तीन ही दिखता है, एक ऑलरेडी पीछे छुपा ही रहता है। फोर जो लाइन फॉलो करता है, चारों दिशाओं को लेकर फॉलो करता है, जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट जो वेस्ट होता है, चारों दिशाओं को ऊपरी सिरा कन्वर्जन करता है। नीचे जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर देखेंगे तो अशोक चक्र वो भी फॉलो करता है। 24 जो हावर्स होता है वो भी फॉलो करता है सर। नीचे भी 4 प्लेसेस से, फर्स्ट जो शेर है, सेकंड हाथी है, थर्ड बैल है, चौथा घोड़ा है। फर्स्ट जो शेर है जो कि सिंहासन पर बैठा था, राजा की तरह राजपाट करता है सर। सेकंड प्लेस हाथी, हाथी जो कि बलवान होता, पहले बल बुद्धि ताकत का ही लोग अपना प्रयोग करते थे। थर्ड प्लेस जो बैल होता, जो कृषि होता, जो मेहनत वाला काम करता, पहले खेत में जुताई के लिए काम में आते थे। और चौथा प्लेस जो कि घोड़ा है, जो कि दौड़ने में फास्ट रहता है, ताकतवर रहता है। ये नीचे जो लोटस का रिप्लिका, जो भारत का पुष्प बोला जाता है कमल, ये नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह है, जो गवर्नमेंट का सिंबल है। इसका रियल जो आपका म्यूजियम में रखा गया है, म्यूजियम 1910 में बनाया गया है, जो कि मुगलों शासन काल में बनाया गया है। आगे अफगानिस्तान बाबियान का कॉपी है, जो तालिबानों ने तोड़ दिया था उसी का कॉपी, 2000 के पहले तोड़ा गया था। वहाँ सिंगल हिस्सों ने की पहाड़ काटकर बना दिया गया था, पहाड़ में ही ज्वाइन किया गया था, लेकिन वहाँ जो 120 फीट का था, जब उसको तोड़ दिया तो उसी का ये कॉपी बनाया गया, 80 फीट 9 इंच इसलिए बनाया गया कि 80 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण गोरखपुर कुशीनगर में ही हुआ था। 9 इंच का मतलब ये था 9 महीने अपने माँ के पेट में थे, इसीलिए उन्हीं के रिलेटिव बनाया गया 80 फीट 9 इंच। और इसको बनाने में 10 साल लग गया, जो कि आशीर्वाद मुद्रा 843 स्टोन से बनाया गया, रेड स्टोन। 2000 से लेकर 2010 तक बनाने में समय लगा। 16 मार्च 2011 ओपनिंग हुआ, तो थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे आए थे, उद्घाटन किए थे, तो सभी लोग पूजा पाठ किए, इसलिए थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया। गौतम बुद्ध जी के जो स्टैचू है, फंडिंग वंडिंग पूरा जितना आता है उसी जगह से आता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का 4 प्लेसेस है, सामने सारनाथ जो उपदेश दिए थे उधर लेटे, गोरखपुर कुशीनगर, पीछे लुम्बनी नेपाल, फिर बुद्ध गया, जो कि चारों प्लेसेस फेमस माना जाता है। उस पर जो डिजाइन है देखिए ना, उसी जो हस्तकला विविंग सेंटर अभी आप लोग को दिखाएगा, जो दलाई लामा का 8 गैलरी है, वहाँ भी फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा चीज़ है, ऐसी है, अभी चलेंगे तो यहाँ से दिखाएंगे। ये आगे गौतम बुद्ध जी की माता जी का फोटो है, फर्स्ट वाली जो थी महामाया, जो गौतम बुद्ध के जन्म के ही साथ में इनकी माता का देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद इनके जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, जो मौसी बोली जाती थी, उन्होंने लालन पालन पोषण किया। और पोषण करने के बाद 16 यानी 16 वर्ष की अवस्था में एक यशोधरा कन्या के साथ विवाह हुआ गौतम बुद्ध जी का। और विवाह होने के बाद गौतम बुद्ध जी का बेटे का नाम राहुल रखा गया था, और गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब 29 वर्ष के हुए गौतम बुद्ध जी, तो 6 वर्ष कठिन तपस्या किए तो ज्ञान मिला, तो बुद्ध के नाम से सभी लोग जानने लगे, फेमस हो गए। ठीक है, तो भैया आगे में भी हम लोग चलेंगे देखने के लिए। जिसके नीचे बैठे थे तो 6 वर्ष कठिन तपस्या सर कर रहे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर, तो जो बुद्ध गया में सर, तो इसी तरह बैठे थे, ध्यान मुद्रा में ही बैठे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, जब ध्यान मुद्रा में बैठे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति, नहीं तो कोई रक्षा करने वाला नहीं, तो शेषनाग ने ही रक्षा किया, जो कि विष्णु के अवतार, जो 9वें जो अवतार होते बोला जाता है, वो विष्णु के अवतार ही बोला जाता है, तो विष्णु के अवतार ने ही ये सर जो रक्षा किया है सर। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों, आप देख रहे थे सारनाथ का थाई टेम्पल, जो कि थाईलैंड सरकार ने बनवाया है। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ की आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।